शेरकोट में नकली पेंट ब्रश बनाने की शिकायत पर पुलिस ने की छापेमारी। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बिजनौर के शेरकोट का है, जहां पर कानपुर के रजिस्टर्ड ब्रश कंपनी ईगल के असली मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी कंपनी के नाम से शेरकोट नगर में दो अलग अलग ब्रश कारखानों में नकली ब्रश बना रहे हैं, जिसको देखते हुए शेरकोट थाना प्रभारी निरीक्षक समय पुलिस बल के साथ शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए कारखानों पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने छापेमारी करते हुए मोहल्ला शेखान निवासी फरीद व महिला नोंदना निवासी इदरीस दोनों के कारखानों से हजारों रुपए के बने व अध बने ब्रश बरामद किए हैं। पुलिस ने इदरीस नाम के ब्रश व्यापारी को हिरासत में ले लिया, वहीं दूसरा व्यापारी फरार बताया जा रहा है। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट रियल इंडिया टीवी पर, सच सबसे आगे। जनपद की सभी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।